जिले में दो महिला स्नैचर्स ने जीविका दीदियों का रुपयों से भरा थैला काट लिया, लेकिन जीविका दीदी दिलेरी और साहस का परिचय देते हुए उन दोनों महिला स्नैचर्स से भिड़ गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी जीविका दीदी की मदद करते हुए उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। मामला गोह थाना क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य शाखा के पास की है। घटना के संबंध में सीएम गंगटी निवासी शीलांति देवी एवं सचिव रेणु देवी का कहना है कि ये दोनों पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य शाखा से स्वयं सहायता समूह की 40,000 की रकम निकासी कर लौट रही थी, तभी एक जीविका सीएम ने दो महिला स्नैचर्स से रुपयों से भरा थैला काट लिया, लेकिन उसके बैग काटते ही जीविका दीदी को एहसास हो गया और वे अकेली दोनों स्नैचर्स से भिड़ गई। उनके भिड़ते ही वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। कुछ देर तक तो समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। जब लोगों को मामला समझ में आया तब वहां मौजूद लोगों ने दोनों जीविका दीदियों का साथ दिया और उनके सहयोग से दोनों महिला स्नैचर्स को पकड़ लिया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना गोह थाना की पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गई। पुलिस के वहां आते ही दोनों ने महिला स्नैचर्स को पुलिस को सौंप दिया। मध्य प्रदेश की है दोनों महिला स्नैचर्स। पकड़ी गई दोनों स्नैचर्स की मध्य प्रदेश के रामगढ़ जिले के बोड़ा थाना क्षेत्र के रामपति बाई और अर्चना सलूदिया हैं। पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान दोनों महिलाओं ने बताया कि वे नट जाति के यायावर समूह की हैं। इस घुमंतू जाति के कुछ लोगों ने गोह के पास ही डेरा डाल रखा है। दोनों महिलाओं का ताल्लुक इसी समूह से है। इस संबंध में गोह थाना अध्यक्ष कमलेश पासवान ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोनों से आवश्यक पूछताछ की जा रही है। पूछताछ से चोरी छिनतई पॉकेट मारी एवं लूट की गई घटनाओं के खुलासे होने की उम्मीद है। पूछताछ के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। जिला रंग के हम प्लास्टिक लिए थे, उसमें ब्लेड मार कर एक ब्लेड मार रही थी, एक पैसा निकालने के तरीके से ही हम कालर को धर कर ऐसे ही। इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड के लिए औरंगाबाद से दीनानाथ मवार की रिपोर्ट।